व्याख्याता आज सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अपना जो पहला पाठ था सूरदाजी वाला, वो तो कल कंप्लीट हो गया। आगे के कर्म में अपना दूसरे नंबर का जो पाठ है वो है तुलसीदास जी। अपने यहाँ सिलेबस में है कि एक जीवन परिचय आता है 4 नंबर का, जो हमें याद होना चाहिए, तो वो बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो आज हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बोलेंगे कि तुलसीदास जी जो थे वे किस काव्य धारा के कवि थे और उन्होंने किसकी रचना की थी और उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, इन बारों में आप चर्चा करेंगे। देखो, जानते हैं कि जो कवि तुलसीदास जी थे वो भी भक्ति काल के ही कवि माने जाते हैं। भक्ति काल के ही कवि माने जाते हैं। काल जो पूछे वो भक्ति काल था और धारा जो पूछे तो वो सगुण काव्य धारा थी, क्योंकि यह राम के उपासक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी अधिकतर जो रचनाएं बनाई है वो राम पर ही, इनकी प्रसिद्ध रचना जो रामचरितमानस है वो राम के जीवन के बारे में ही बताया गया है। आगे के कर्म में अपन चलते हैं। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में हुआ माना जाता है। तो डेट पूछे तो ये है, और उनके स्थान पूछे तो स्थान भी अपन को बताना है। ये सारा जीवन परिचय याद रखना है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम तुलसीबाई था। ऐसा माना जाता है ये सरूपाणी ब्राह्मण थे। इनका जब जन्म हुआ तो इनका जन्म गलत नक्षत्र अर्थात अशुभ नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। आगे के कर्म में इनके गुरु का नाम नर हरिदास जी था। यह विठलनाथ जी के संप्रदान में ही रहते थे। इनका विवाह जो था वो एक विदुषी थी रत्नावली, उस रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ। रत्नावली जो थी वो एक ऐसी विदुषी थी, परंतु इनका विवाहिक जो जीवन है वो भी अधिक समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही रत्नावली ने इनको त्याग दिया। रत्नावली से वह रुष्ट होकर इन्होंने अपनी रचनाओं को प्रारंभ कर दिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है, सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है इनकी रामचरित्र मानस, फिर इनकी विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है, कृष्ण गीतावली है, और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक आदि इनकी काव्य रचनाएं मानी जाती है। अपनी जो किताब है उसके अंदर रामचरितमानस का ही एक कांड है, बालकांड। उस बालकांड से परशुराम और लक्ष्मण के संवाद को अपने यहाँ किताब में लिया गया है। आगे के कर्म में इनकी जो भाषा है काव्य की, ब्रज भाषा और अवधि भाषा मानी जाती है। यदि छंद पूछ ले तो दोहा और सोठा, इन्होंने ज्यादातर दोहा और सोठा छंद का ही प्रयोग अपने काव्य में किया है। और अलंकार जो है वो अधिकतर अनुप्रास अलंकार आपको इसके काव्य में मिलेगा। तो इनके काव्य में ज्यादातर जो है वो व्यंग्य पाया जा रहा है, क्योंकि व्यंग्य का मतलब यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी के साथ वार्तालाप होता है और वार्तालाप में ही वे एक दूसरे से व्यंग्य करते हैं, तो हास्य व्यंग्य भी माना जाता है। आगे के कर्म में कल अपन तुलसीदास जी के जो अपने बालकांड से लिए गए हैं परशुराम और संवाद, परशुराम और लक्ष्मण का संवाद है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे के कर्म में। थैंक यू।